नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार डिजिट। जनपद उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर। उन्नाव में मासूम दलित बेटियों की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। उन्नाव की कीर्ति को कलंकित करने वाले निशाचरों ने समूचे जनपद को झकझोर कर रख देने वाली घटना को अंजाम दिया। चचेरी बहनों की खेतों में मिली लाश से इलाके में सनसनी फैल गई। आनंद फानंद में शासन प्रशासन अलर्ट हुआ है और सबों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर राजनीति के गलियारे में भी मासूम बच्चियों की दर्दनाक हत्या से समूचा राजनीति का अखाड़ा गर्म हो चुका है। हर कोई बयानबाजी करने से पीछे नहीं हट रहा है, तो वहीं आम नागरिक इस भीभत्स घटना से आहत होकर सड़क पर बैठने को मजबूर हो गए हैं। दूसरी ओर शासन प्रशासन ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए इस घटना को जल्द से जल्द खोलने के लिए टीमों का गठन किया है व शवों का पोस्टमार्टम पैनल से कराया जा रहा है। मौजूदा सरकार के खिलाफ सपा, बसपा और कांग्रेस ने घेराबंदी करना शुरू कर दिया। प्रदेश के उच्च अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं। देखते ही देखते एक छोटा सा गांव खाकी के बूटों की गड़गड़ाहट से छावनी में तब्दील हो गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं जनपद उन्नाव की थाना असोहा क्षेत्र के बबूराहा गाँव की। रोज की भांति गाँव की दलित युवतियाँ गेहूँ के खेत में घास काटने गई थी, लेकिन लौट कर घर नहीं पहुँची। परिजनों ने जब खोजबीन की तो सामने का दृश्य देख कर पैरों तले जमीन खिसक गई, मानो आसमान फट गया, कलेजा मुंह को आ गया। इस बड़ी घटना ने सभी को हैरान कर दिया। हत्यारे घटना को अंजाम देकर जुर्म की काली अंधियारी गलियों में निकल गए। फिर खेल शुरू हुआ राजनीति में पक्ष और विपक्ष के बीच लाठी पटकने का, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। फिलहाल समाचार लिखे जाने तक दो बच्चियों की लाश का पोस्टमार्टम जनपद उन्नाव में कराया जा रहा था, तो वहीं घायल युवती को जिला अस्पताल से कानपुर रेफर कर दिया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह साजन ने मौजूदा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वर्तमान में जंगल राज कायम है, उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं है, दलित की बेटियां मारी जा रही हैं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के बड़े नेता भी घटना स्थल पर पहुँच सकते हैं। समाचार ए टू जेड के लिए उन्नाव से मनीषा यादव की रिपोर्ट। आप लोग इतने लोग लेकर आए, बात करें, अगर हम लोग चाहें। आज उन्नाव की घटना ने फिर एक बार हमको, आपको, सबको, पूरे प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। और ये अब तो तय हो गया है कि पिछड़े दलित समाज की बेटियां कतई सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। उत्तर प्रदेश में किसी भी बेटी की इज्जत आबरू कोई लूट सकता है? उसकी जान इतनी सस्ती हो गई है? और उन्नाव की पुलिस लगातार उस घटना को दबाना चाहती है। जिस तरीके से दो बेटियों की डेड बॉडी को उन्नाव पुलिस जीप में डाल करके ले गई आनंद फानंद में, परिवार बिलख रहा है, रो रहा है, उसकी कोई सुन नहीं रहा है। परिवार को ही धमकाया जा रहा, परिवार को ही समझाया जा रहा। हमें आशंका है कि उन्नाव की घटना को बीजेपी सरकार और उन्नाव की पुलिस हाथरस जैसी घटना ना बना दे। तो हमारी सरकार से मांग है कि दोनों बेटियों की जो पोस्टमार्टम हो, एक पैनल बना करके पोस्टमार्टम हो, और इस घटना की जांच अलग टीम करे, क्योंकि उन्नाव की पुलिस तो लगातार बचा रही। 5 बजे खबर हो गई थी, अभी तक आखिर क्यों छिपाया जा रहा है? तो कहीं न कहीं सरकार और पुलिस मिल करके घटनाओं को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। हम सब परिवार के साथ हैं और हम सब लड़ाई लड़ेंगे। जब यहाँ मरीज यहाँ पर आई है, नीचे तो बिल्कुल गैस्ट्रिक में आई थी, उसकी सांस बिल्कुल उखड़ रही थी, मुंह से पूरा झाग आ रहा था, मुंह के अंदर पूरा सेक्रीशंस बहुत भरे हुए थे और उसकी प्यूपिल बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्टेड थी और कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, टोटली अनकॉन्शियस। अभी भी हम लोग तब से उसको मैनेज कर रहे हैं, उसको पूरा ऑक्सीजन दिया जा रहा है। अभी तो हमने उसको जो उसके पल्मोनरी एडिमा में हैंडल कर रही थी, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, डिस्चार्ज कर दिया, गैसेस लगाए, प्रोटीन लगाया और बाकी जो भी दवाइयाँ हैं। अभी फिलहाल अभी हमने उसको इंटीग्रेट भी कर दिया है। इंटीग्रेट इसलिए कराया है कि उसका जो लंग्स में पानी भर गया है, उसकी उसको निकाल सकते हैं, उसको भी निकाल रहे हैं हम लोग। लेकिन इस समय जो उसकी स्थिति है, उससे ऐसा लग रहा है उसका ब्रेन का थोड़ा डैमेज हो रहा है, एनोक्सिया में गई है मरीज, तो क्रिटिकली इल है, बचने की उम्मीद इस समय बहुत ज़्यादा है। क्या लग रहा है सर, किस वजह से कुछ ऐसा लग रहा था हमें यार? उसके साइंस जो है वो ऐसा लग रहा है कि ऑर्गन ऑफ फास्फोरस पॉइजनिंग उसको हुई है। ऑर्गन ऑफ फास्फोरस होता है जैसे जो कीटाणुनाशक दवाएँ यूज होती है, जो उस समय इसके क्लिनिकली जो लग रहा है।
अदरवाइज पॉइजनिंग में जो हिस्ट्री होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, क्या लिया है। ये असोहा थाने में आज तीन लड़कियां अपने ही खेत में जो है बेहोशी के हालात में मिली थी, जिनको हॉस्पिटल में भेजा गया था, जिसमें से दो की वहां पे डेथ हो गई है और एक को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया है, जिसका ट्रीटमेंट जो है वहां पे चल रहा है। इसमें प्रथम दृष्टया यही चीज़ें संज्ञान में आई है कि ये घास काटने के लिए गई थी और घर वालों ने ना मिलने पर ढूंढने पर ये वहाँ पर पाई गई, और ये भी देखा गया है कि घटनास्थल पर काफ़ी झाग वगैरह पड़ा था और डॉक्टर के द्वारा भी प्रथम दृष्टया इसमें पॉइजनिंग के सिम्टम्स बताए गए हैं। अन्य सभी घटनास्थल पे उपस्थित लोगों के बयान दर्ज करके और जांच की जा रही है, गहराई से जांच की जा रही है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।